बरेली जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुखलाल चौरसिया ने मुरादाबाद सहभागीय परिवहन कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर के अचानक दौरे से सहभागीय परिवहन कार्यालय में हड़कंप मच गया। डिप्टी कमिश्नर ने कार्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था, स्टाफ ड्यूटी और रिकॉर्ड रजिस्टर समेत कोविड गाइडलाइन का निरीक्षण किया और सहभागीय परिवहन अधिकारियों को कमियां सुधारने के निर्देश दिए। वहीं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना की शुरू की गई, जिसके तहत कार्यालय के अधिकारियों ने महिलाओं के लाइसेंस बनवाने के लिए एक कैंप का आयोजन किया, जिसकी जानकारी मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए। आकस्मिक औचक यहाँ के कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए, ये कार्यालय की साफ सफाई है, इसके अलावा जो हमारे स्टाफ हैं उसकी उपस्थिति के बारे में है, रिकॉर्डों की देख रेख के बारे में है, कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं उसके बारे में है। इन्हीं सब बिंदुओं को देखने और जिनमें जहाँ जहाँ यदि हमें लगेगा कि यहाँ जो है सुधार की ज़रूरत है, तो संबंधित अधिकारियों के निर्देश देने आए हैं कि इन इन चीज़ों में आप सुधार करें जो है, और राजस्व की वृद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके जो है सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति करें। ये देखिए, ऐसा कोई आदेश तो नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुविधा के लिए विभाग के अधिकारियों के ऊपर निर्भर है कि वो टाइम टू टाइम कभी भी लगा सकते हैं, और ये अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, और इन लोगों ने जो अच्छा काम किया इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारी की बहुत बहुत जो है धन्यवाद और बधाई हो। उन लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है, ये तो अच्छी है, और आगे भी इन लोगों को जब ज़रूरत होगी या लगता है कि कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह की चाह रही हैं, तो आगे भी वो भविष्य में लो लगाने की सोचेंगे।